इतना ज्यादा क्राउड मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, तो कुछ देखो इस तरीके का सीन है भाई। राइडर कहाँ रह गए? आज हम लोग मॉर्निंग में निकल गए राइड के लिए, एंड मॉर्निंग हमारी किस टाइम हो रही है, मतलब सच्ची सच्ची बताऊँ तो ऑलवेज हमें 6 बजे जाते हैं हमेशा से, वो भी हमारे खालिद भाई की वजह से, जो कि हमें हमेशा से लेट कर देते हैं। मैं भाई 4 बजे उठ चुका था, एंड हमारे खालिद भाई ने इस बारी भी लेट किया था, मैं भी क्या करूँ सो गया। तो # नींद, खालिद भाई को इतनी ज़्यादा नींद आती है। तो करते हैं इस मोमेंट पे अपने नए ब्लॉग की शुरुआत। व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज फराज एंड दैट्स खालिद ब्रदर, एंड वेलकम बैक टू द एफटी फ्लेम्स। भाई टाइम भाई 7 बजे होंगे, भाई 6:30 के अराउंड, हाँ लगभग 7 बजे होंगे। मैंने अभी सच में घड़ी नहीं देखी, तो टाइम इतना ज़्यादा हो गया है फ्रेंड। और हम लोग हैं अभी DND टोल बैक साइड देखो। तो हम लोगों ने सोचा था संडे को राइड करेंगे, एक बढ़िया से सुबह उठ जाएंगे, 5:30 बजे मीटअप रखा था हमने। उठे थे मतलब मैं तो जागता रह गया, लेकिन खालिद भाई कॉल करते करते परेशान, भाई उठ नहीं पाए, दोबारा से सो गए। नींद लेट आई थी यार। कुछ फ्रेंड्स थे हमारे जो हमारे साथ राइड पे चलने के लिए रेडी हुए थे, बट वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं, लगभग वो 6 बजे यहाँ से चले गए थे। कुछ बाइक्स अभी भी जाती हुई देखो उस साइड में, थोड़ी थोड़ी बाइकें दिखती हैं। अगर मान लो जहाँ हम लोग खड़े हैं, अगर इस जगह पे आप लोगों को बहुत सारी बाइक्स देखनी है, तो मॉर्निंग लगभग आप 5 बजे यहाँ पहुँच जाओ, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर बॉस ग्रुप देखने को मिलता है। तो अभी हम लोग चलते हैं फ्रेंड आगे को, राइड करेंगे बढ़िया से, एंड कुछ हाइपर राइडिंग करेंगे, एंड जाएंगे थ्रॉटल शॉटल कैफे पे। तो आप लोगों से मिलते हैं हम डायरेक्ट हेलमेट पे। लेट्स गो। तो चलते हैं इधर से। आर यू रेडी? ऑलवेज रेडी। तो अभी हम लोग चलते हैं, काफ़ी सारे बाइकर्स फ्रेंड आगे को जा चुके हैं। हम लोग रुक गए थे यहाँ पर, मैं थोड़ा इंस्टाग्राम के लिए शूट वूट कर रहे थे, तो आप लोग जाके स्क्रीन पर आईडी आ रही होगी, इंस्टा को फॉलो करो, FT फिल्म्स नाम से आईडी है, बाकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके जी, तो चलते हैं फ्रेंड हम लोग फटाफट से। तो आज की राइड अपनी हो चुकी है स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। सो कुछ अलोन सा फील हो रहा है, बिकॉज खालिद भाई और मैं साथ में राइड कर रहे हैं, एंड बाकी के लोग हमारे लेट होने की वजह से सुबह अपने राइडर कैफे जो हमारी आज की डेस्टिनेशन थी वो कवर कर चुके हैं। सो यहाँ पर मैं सोच रहा था कैमरा एंगल चेंज करेंगे, यहाँ के शॉट इतने ज़्यादा बढ़िया आते हैं ना, तो बट खालिद भाई पीछे काफ़ी देर हम लोग रुक गए, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम रुक के सेटअप चेंज करें, नहीं तो यहाँ का बैक साइड के मैं आप लोगों को शॉट दिखाता, बहुत बढ़िया से आते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम कभी ट्राई करेंगे। बाकी धूप तो इतनी ज़्यादा हो चुकी है अभी से ही, लगभग 7:30 के अराउंड में टाइम हो रहा है, और धूप एकदम ख़तरनाक हो चुकी है, बेहतरीन वाली, मतलब गर्मी तो इतनी ज़्यादा पड़ रही है दिल्ली में, आप लोग भी जानते हो, एंड हम लोग लेट राइड कर रहे हैं, कौन करता है यार, मतलब ये उठने की जो हमारा सुबह उठने वाला मोटिव है ना, ये हमें शुरू से प्रॉब्लम में करा है, इसलिए हम सुबह से उठ ही नहीं पाते। एंड दूसरी चीज़, हमें लगभग 1 साल होने को आ गया, पूरा 1 साल हो ही गया है कंप्लीट राइड करते हुए, अभी तक हम सुबह सही से नहीं उठ पाते, अभी तक हैबिट से नहीं बन पाई है, बट ट्राई करा करेंगे कि और जल्द दिन पे दिन और ज़्यादा जल्दी उठने लगे। तो आज के राइडर कैफे का प्लान जो है अपना ख़तरनाक वाला बढ़िया से हम लोगों ने कर लिया था, गाड़ी को करते हैं टोटल बढ़िया से। मॉर्निंग में भी इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ दिखने लग जाती हैं रोड पे, मतलब थोड़ी फास्ट भी नहीं चला सकते कहीं से भी कैसे भी, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ दिख जाती हैं। पहले हम लोग मॉर्निंग में जाया करते थे, मतलब ज़्यादा मॉर्निंग में नहीं,
इसी टाइम के अराउंड में तब भी बहुत ज़्यादा गाड़ी हम लोगों को दिखती है। हम लोग JFR रोड पर जाते हैं, वहाँ पर भी हमें काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ दिखती है, बट इधर भी देख रहे हो रोड पर गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। अरे देखो क्या हो गया यार, आज बड़ी स्लो ही गाड़ी चला रहे हो। तो साइड मिरर में मैं देख सकता हूँ, उन्हें मेरे जस्ट पीछे है एंड अभी ओवरटेक करने वाले हैं। तो ये रहे हमारे भैया ओवरटेक करते हुए हमें। तो यहाँ पर हम लोग हाइपर राइड मतलब कर ही नहीं सकते, कोई चांस ही नहीं है। देख रहे हो इतना ज़्यादा ट्रैफिक दिख जाता है रोड पर एंड गाड़ियाँ दिख जाती है, ट्रैफिक तो क्या ही बोलो, और राइडर के हिसाब से ये भी ट्रैफिक है। लोग लगातार कंटिन्यू यहाँ पे थ्रॉटल नहीं कर सकते, हल्का सा थ्रॉटल खोलता हूँ गाड़ी के एंड वापस से ब्रेक लगानी पड़ जाती है, तो क्या फायदा यार, क्या फायदा। तो खालिद भाई बता रहे हैं हमें ग्रेटर नोएडा से हटके कुछ इस तरीके वाले रोड पे आना है, तो शायद मुझे लग रहा है हम लोग सही जा रहे हैं। एंड इधर के एरिया में अगर आप लोग आ रहे हो ना तो मतलब बिल्कुल शांत रहता है, विलियम वगैरह भी ट्राई कर सकते हो भाई। विली लगा दो, विली विली लगा दो, विली। तो हम खालिद भाई से बोलते हैं भाई विली लगा दो विली तो अभी खालिद भाई को विली में एक्सपर्ट नहीं है, खालिद भाई को विली अच्छे से नहीं आती फिलहाल, एक्सपर्ट तो हम भी नहीं है, बट जितनी भी आती है थोड़ी बहुत ट्राई कर ही लेते हैं, ट्राई करते रहेंगे तो सीख जाएंगे हम लोग यार। मतलब स्पीति वैली के बाद इतने टाइम बाद तो अब राइड पे जा रहे हैं, अगर कंटिन्यू हम लोग निकलते हैं राइड करते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग सीख जाएंगे। तो आप लोगों को दिखाते हैं, इतना ज़्यादा क्राउड मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। तो कुछ देखो इस तरीके का सीन है भाई, राइडर कहाँ रह गए, संडे नहीं है भाई आज, आज कुछ और है भाई हम लोग अदर्स डे में आ गए, ये संडे मुझे लग नहीं रहा हम लोग अदर्स डे में आ गए, यहाँ बाइकर्स तो नहीं छपरे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। भी क्या भाई, यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा, इसको नजर आना भाई नजर आ रहा है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो उधर वो कौन है डॉग भाई, ये कैमरे पे देख रहा है वही नजर आ रहे हैं। तो चलते हैं, फिर करते हैं अभी हम लोग चलते हैं कहीं और राइड मार के आते हैं, बट यहाँ तो मुझे कुछ ज्यादा क्राउड नहीं दिखा, तो मैं बाइक से भी नहीं उतरा, मैं बोल रहा भाई मैं नहीं जा रहा अंदर। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे को एंड थोड़े राइड करेंगे, खालिद भाई से रेस लगाएंगे आज। तो चलते हैं, थ्रॉटल शॉटल आप लोगों को दिखा दिया नोएडा वाला, पिछली बार ही आए थे तो यहाँ इतनी बाइक ही थी कि हमारी पार्क करने की जगह नहीं थी, और इस बार ही आए तो भाई इस टाइम ट्रक पार्क कर सकते हो। तो चलते हैं आगे को। काफी सारे सुपर बाइकर्स वाले जाते हुए आगे, हम लोगों ने सोचा कुछ आज सुपर बाइक से रेस हो जाए। BMW S1000 RR से अपनी रेस चल रही है। मजाक कर रहा हूँ यार, वो 1000 cc की बाइक है एंड हमारे पास जो बाइक है वो नॉर्मल cc है, 155 cc के सेगमेंट में, बट तब भी यार जीत विनर तो है एक बारी।
एंड आई डोंट नो हमारे खालिद भाई किधर रह चुके हैं। तो अपना कट आ चुका है इधर जाने वाला दिल्ली के लिए, तो हमें लेफ्ट कट लेना है। तो अपनी रेस अभी कुछ यहीं तक की थी।